हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MPPSC 2020 का जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के बारे में, बात करेंगे 2019 और 2020 के सिलेबस के अंदर क्या क्या अंतर हैं, या किस प्रकार से आप 2019 के सिलेबस के साथ में 2020 का जो सिलेबस है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने पेपर वन है उसका पूरा एनालिसिस किया था, उसकी बुक लिस्ट देखी थी कि कौन कौन सी बुक्स हैं आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, या कौन से दूसरे जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं या आपके जो दूसरे कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पेपर वन वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर देखी थी। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ऊपर आपको आई बटन है, आई बटन पर आप क्लिक करके वहां पर आप पेपर वन का जो पूरा एनालिसिस है कि पूरा पेपर वन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे वो सभी टॉपिक आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पर मैं आपको प्लस के अंदर पढ़ाता हूं, तो अभी मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। MPPSC मीन्स पेपर वन का कोर्स है विद गौरव शर्मा सर, जो अभी उसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है। उसके बाद एक पेपर टू का कोर्स है जिसके अंदर पार्ट बी वाला जो पार्ट है वो चल रहा है, तो पूरा MPPSC मेंस पेपर टू। MPPSC मेंस पेपर थ्री का जो कोर्स है वो 1st मार्च से लॉन्च होने वाला है। MPPSC मेंस पेपर फोर और उसका जो कोर्स है वो अभी ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। तो चार कोर्सेज जो हैं वो MPPSC मेंस के लिए चल रहे हैं 2019 के लिए। 2020 के लिए जो दो आपका जो कोर्सेज हैं वो दो कोर्सेज चल रहे हैं, ये एक्चुअली एक ही कोर्स है तो आप इसको एक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये आपके 2020 का पूरा जो सिलेबस है प्री का वो कवर करेगा, ये दोनों कोर्स मिला के पूरा प्री का सिलेबस, साथ ही जो आपके वीकली MCQs वगैरह है वो MCQs वगैरह के इसके अंदर यहां पे कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो कोर्स है ये आपके 2020 का प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 2020 के आपके मेंस के सिलेबस की। ओके, सो अनअकैडमी पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज पे। रोज सुबह 9 बजे मेरा जो लाइव क्लास है वो लाइव क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेबस की। पेपर टू का जनरल हिस्ट्री का पेपर है, सब कुछ चीज़ें वही सेम है, 300 नंबर का पेपर है, पार्ट ए पार्ट बी। क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है कि 6 और 15 जगह की जगह 5 और 11 नंबर की क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी यहाँ पर है। वर्ड लिमिट भी कम हो चुका है जिसके बारे में हम पहले बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पेपर टू बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है वो पूरे पार्ट ए के अंदर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेन हेडिंग्स हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे उसको पढ़ा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट वन जो आपकी है, यूनिट वन बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फाउंडेशन, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए, बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है, फाउंडेशनल आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं भारत के संविधान के, जैसे आपके फंडामेंटल राइट हो गए या कई सारी चीज़ें हो गई, तो कैरेक्टरिस्टिक वो है। ठीक है, उसके अलावा बोलता है कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs वगैरह, तो ये सब टॉपिक इसके अंदर यहाँ पर है। तो जो भी कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके अंदर आपको यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब पूरा जुडिशरी है, तो जुडिशरी दिया गया है। पहले जुडिशरी और पूरा जो पार्ट था वो अलग से दिया गया था, बट अभी उसने यहाँ पर डाल दिया है फेडरलिज्म और आपके सेंट्रल के अंदर। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राज्य केंद्र संबंध हो गए, उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका चाहे तो आप सबॉर्डिनेट कोर्ट वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो पहले भी था, फिर से वही टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, तो ये सब टॉपिक ऑलरेडी थे 2019 के अंदर, फिर से ये टॉपिक यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। ठीक है, सो ये पेपर वन इसका फर्स्ट यूनिट है। अब इसके लिए सिंपल से मैं आपको किताब बताता हूँ, लक्ष्मीकांत जो है वो सबसे बेस्ट किताब है इसके लिए, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट आपको लक्ष्मीकांत के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं, ना? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लक्ष्मीकांत आती है, बट लक्ष्मीकांत की एक और बुक आती है, उस बुक का नाम है गवर्नेंस इन इंडिया, ये काफ़ी अच्छी बुक है, बट ये बुक सिर्फ इंग्लिश में आती है ना, तो इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं आपके वो इसके अंदर दिए गए हैं, पबेट वगैरह के कुछ टॉपिक उसमें मिल जाएंगे आपको, बट ये बुक के अंदर आपके ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत आती है वो परचेज करें, उससे पढ़े, उसको 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितनी बार भी पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़े। गवर्नेंस इंडिया अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो ठीक है और इतना पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लक्ष्मीकांत से आपका जो काम है इंडियन पॉलिटी उससे ये सभी टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके लिए तो ये यूनिट वन के लिए तो लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड CAG ऑफ इंडिया, भारत के बाहर जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और भारत के इलेक्शन कमीशन है, कानून आपका जो
चुनाव आयोग है, उसके बाद आपको यूपीएससी दिया हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और नीति आयोग, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं। बहुत ही शॉर्ट में उसने वहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरी बॉडीज हैं ये जब दिया हुआ है, इसके अलावा भी अगर कुछ छूट जाता है तो आपको अगर पढ़ने से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए कि हो सकता है कि उससे बाहर निकल के कुछ पूछ ले। रोल ऑफ द कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन द इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि भारतीय राजनीति के अंदर आपका जो जाति है, धर्म है, वर्ग है, आपकी जो एथनिसिटी है या आपकी जो भाषा है, आपका जो जेंडर है, उसका क्या प्रभाव अभी यहाँ पे पड़ता है। तो सबका रोल अलग अलग लिख सकते हैं, सबका कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रोल है, कहीं ना कहीं सबका कोई नेगेटिव रोल भी अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये जितने भी एंगल्स हैं, ये सभी एंगल जो है प्रेशर ग्रुप के रूप में अभी यहाँ पे काम करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप वाले टॉपिक में आप इसको जाके पढ़ सकते हो, सेम लक्ष्मीकांत के अंदर, और थोड़ा बहुत आप खुद भी इसके बारे में सोच सकते हो कि रिलीजन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कास्ट का क्या इंपैक्ट करता है, क्लास का क्या इंपैक्ट करता है। तो ये आई थिंक आप थोड़ा खुद सोच के इसके अंदर जो आंसर है वो लिख सकते हैं। उसके अलावा आप नेट पर सर्च करोगे इस टॉपिक को तो एडीआर वगैरह की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, कई सारी आपकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, तो वहां पर आपको डिटेल में अभी यहाँ पे मिल जाएगा। बट आई थिंक आप खुद सोच सकते हो उसको, और कुछ पॉइंट्स जो आपको नेट पे सर्च करके इजीली अभी यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर, बाकी चीजें आपको जो प्रेशर ग्रुप वाला चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का, वहां तो मिल ही जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक मूवमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी और वोटिंग बिहेवियर, कि वोटिंग बिहेवियर कैसे चेंज होता है, जैसे आपने भी दिल्ली के अंदर देखा, दिल्ली में इलेक्शन हुए, वहां पर 62 जो सीट्स हैं वो आम आदमी पार्टी को मिली, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ की बात वहां पे जब की जा रही थी तो उसका इंपैक्ट वहां पे दिया, तो एक तरीके से वोटिंग बिहेवियर वहां पे लोगों का चेंज हुआ। उसके अलावा किसी और एरिया में देखेंगे तो इट मे बी पॉसिबल वहां पे रिलीजन हावी है, धर्म हावी है, तो धर्म के आधार पर वोट किए जा सकते हैं। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग इस प्रकार से वोटिंग बिहेवियर हो सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी आपकी जो है, आपकी जो आम समाज है, और पब्लिक जो मूवमेंट, जो भी आजादी के पहले, आजादी के बाद जो भी पब्लिक मूवमेंट चले, स्पेशली आपका जैसे जनता दल का पूरा एक मूवमेंट चला, जेपी का आंदोलन चला, वो सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो वो जो सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए जो मूवमेंट चले, जो आंदोलन चले, वो सब मूवमेंट आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक आपको जनरली पोस्ट इंडिपेंडेंस की किसी भी किताब के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, अब देखो सिक्योरिटी इशू वही, पहले जो सिक्योरिटी इशूज थे जो 2019 का सिलेबस था वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दी गई थी, यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज उसने वहाँ पे बोला है। तो यहाँ पर भी अब थोड़ा सा आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो पूरा मैटर यहाँ पे देख सकते हैं। नेशनल इंटीग्रिटी की बात कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों में नेशनल इंटीग्रिटी पे जो चैलेंज है वो चैलेंज हुआ है, क्या चीज़ नेशनल इंटीग्रिटी पर चैलेंज करती है, उसको लेकर कई सारे केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो आप स्टडी इसके अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका जो लक्ष्मीकांत है उससे कवर हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह के लिए थोड़ा बहुत आप नेट के ऊपर जो IDSA वगैरह है, IDSA वगैरह सर्च करके थोड़ा बहुत कंटेंट आराम से वहां पर आप देख सकते हो। अदरवाइज प्लस में तो मैं पढ़ाऊंगा ही सब टॉपिक, है ना। जो प्लस में नहीं पढ़ते हैं या जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बुक्स अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो मेरे पढ़ाने के अलावा भी जो लोग पढ़ते हैं अनअकैडमी के अलावा भी, वो भी ये सब जो रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नेंस विद रेफरेंस टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो वही आपका पूरा पंचायती राज सिस्टम PRI है, पूरा पंचायती राज सिस्टम और आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है तो पूरा दिया गया है। तो बेसिक वही आपका कि उनका इमरजेंस कैसे होता है भारत के अंदर, तो लक्ष्मीकांत के अंदर सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से, है ना। हर पूरा टॉपिक दिया हुआ है 73rd एंड 74th, पूरा म्यूनिसिपल और पंचायती राज सब कुछ है। तो वहाँ पर ईजिली आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो और वो जो कंटेंट दिया है वो अपने आप में सफिशेंट है। उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है पंचायती राज वगैरह पढ़ना है, डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो उसके लिए एक बुक आता है, द बुक इज कॉल्ड द पंचायती राज इन इंडिया, है ना। ये आता है आपके NBT का, नेशनल बुक ट्रस्ट का, तो उस बुक से आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। पतली सी बुक आती है 101 पेज की, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, लोकल गवर्नेंस और पब्लिक पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह, और नेट पे कई सारे आर्टिकल्स हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे। एक मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ, वो वेबसाइट है योर आर्टिकल लाइब्रेरी, है ना, योर आर्टिकल लाइब्रेरी करके एक बुक, एक वेबसाइट है,
जो मैं भी काफ़ी बार उसको यूज़ करता हूँ अपने नोट्स वगैरह बनाने में, तो योर लाइब्रेरी आर्टिकल लाइब्रेरी डॉट कॉम, इसके ऊपर क्या है आपको कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल मिल जाएंगे, जैसे पंचायती राज इन इंडिया के ऊपर करके तो टू द पॉइंट वो लिख देगा वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं वो उसके अंदर दिए गए हैं, उसका यूज़ आप जरूर किया करें, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक डिस्कशन डॉट नेट करके कोई वेबसाइट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी। देन उसके अलावा यहाँ पर स्पेशली आपका जो एमपी का जो 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है आपके पंचायती राज के अंदर, तो वो भी स्पेशली आपको यहाँ पे पढ़ना है। देन अकाउंटेबिलिटी एंड राइट, है ना, जवाबदेहिता एंड अधिकार, उसके अंदर आपके जितने भी बॉडीज हैं, चाहे वो जो पिछले सिलेबस के अंदर भी दी गई थी, चाहे वो एनजीटी हो या फिर आपका महिला आयोग हो, चाइल्ड कमीशन हो या ह्यूमन राइट कमीशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, जितने भी इस प्रकार के जो कमीशन्स है, वो सब कमीशन्स जो है अब इसके अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी एंड राइट के अंदर पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स थे ऑलरेडी अभी वहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। तो उसी को रेफरेंस में रखते हुए इसके अंदर और जो टॉपिक्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो। ये गवर्नेंस इन इंडिया जो है आपका लक्ष्मीकांत का, उसके अंदर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, आपके लोकतंत्र की फीचर्स यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नीति निर्माण के अंदर जो हमारी जो जवाबदेहिता है या हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हमारा क्या योगदान है, सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या योगदान है, वो डालते हैं, वो एक हो गया, है ना। उसके अलावा दूसरी कई सारी चीज़ें हैं तो वो इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBOs, NGOs, HSGs, तो ये ऑलरेडी पुराने सिलेबस के अंदर दिए गए थे, फिर भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये बेसिक जो चीज़ है NGOs या CBOs वगैरह है, ये नेट पे सर्च करोगे इजीली आपको मिल जाएगा वहाँ पे, SHG, CBO, NGO, कई सारे NGOs या CBOs की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर बेसिक चीज़ें दी गई हैं, कितने टाइप के NGOs होते हैं, कितने टाइप के CBOs होते हैं, SHGs क्या होता है। तो SHGs तो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये इजीली आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा उसको समराइज करना आना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और मैं तो प्लस में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम, है ना, आपके प्रॉब्लम्स आपके इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, तीनों मीडिया की क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, तो इनका क्या रोल है, इनका रोल, मीडिया का रोल, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या है, है ना। आजकल बोलते हैं ना गोदी मीडिया और ये वो, जो वो सब चीज़ें जो हैं वो क्या, किस तरह से मीडिया जो है धीरे धीरे बायास्ड हो रहा है, वो बायास नहीं हो रहा है, तो क्यों, जो उसके सब रीजंस हैं, तो वो कई सारे, आपको किसी का नाम नहीं लिखना एग्जाम के अंदर या पेपर के अंदर भी, या जब आंसर लिखो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चैनल का नाम नहीं लिखना है, बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर, बेसिक जो बातें हैं वो करना है। आप लिखो उस तरीके से वो समझ जाएगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो, रविश कुमार के बारे में बात कर रहे हो या रिपब्लिक टीवी के बारे में बात कर रहे हो, वो पढ़ने वाला समझ जाता है। तो बात वही होती है कि शब्दों में उसको कह देना बिना उसका नाम लिए, ये कला होती है, ये कला होना जरूरी है। ओके, तो यूनिट 4, ये ज़्यादातर टॉपिक मैं आपको बता दिए कि नेट के ऊपर आपको थोड़ा रिलाई करना पड़ेगा, ये टॉपिक भी नेट पर मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये आपको ऑलरेडी आपके लक्ष्मीकांत के अंदर मिल ही जाएगा। ओके, तो कहाँ पहुँच गया मैं, ओके, सो ये आपको ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के अंदर मिल ही जाएगा, ठीक है। ये भी आपको कुछ कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, तो ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 आपका, उसके अंदर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, तो भारतीय आपके जो थिंकर हैं वो थिंकर यहाँ पर है। अब पेपर 4 से उठा के यहाँ पर उसने डाल दिया, है ना, कौटिल्य हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, तो ये सब जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, स्पेशली कौटिल्य का जो आपका सप्तांग का थ्योरी है, दूसरी उसकी अर्थशास्त्र के अंदर जो थ्योरीज निकलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की या पॉलिटिकल थिंकिंग की, महात्मा गांधी उनका जो भी पॉलिटिकल थिंकिंग है, चाहे वो ट्रस्टशिप का थ्योरी हो या आपका जो उनका सर्वोदय का कंसेप्ट हो या महात्मा गांधी का जो स्वराज का कंसेप्ट हो, नेहरू है, नेहरू का सोशलिज्म का कंसेप्ट हो, वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हैं, तो उनके जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने जब इथिक्स के लिए पढ़ा होगा तो उन सब के अंदर ये दिया होगा, या उसके लिए फिर मैंने तो ये DU का एक बुक आता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, तो उससे मैंने ये टॉपिक वहाँ पे पढ़े थे, बट पता नहीं आप उतना पढ़ पाओ या नहीं पढ़ पाओ, तो वो प्लस के अंदर पढ़ेंगी। अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, तो ये सब थिंकर्स इसके अंदर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो JP आपको वैसे उसमें नहीं मिल पाएगा, JP आप थोड़ा नेट पर सर्च करके उसकी फिलोसफीज आप देख सकते हो। तो गांधी, लोहिया, JP ऑलमोस्ट सेम फिलोसफी यहाँ पर है, जैसे उपाध्याय है तो इनका फिलोसफी थोड़ा सा अलग है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वगैरह का, अम्बेडकर का वही है कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर बिलीव करना एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, या एक तरह से बोल सकते हो कि थोड़ा लेफ्टिस्ट की तरफ उनका जो व्यू था, वो व्यू थोड़ा सा भी यहाँ पे
ज्यादा था। तो ये अंबेडकर वगैरह है, ये थिंकर्स पढ़ना है, तो ये तो मैं आपको बोलूंगा कि नेट के ऊपर आप सर्च करो, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, और नहीं मिलेंगी तो आपको फिर लेक्चर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा या इंडिविजुअल आप उसको वहां पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। यूनिट 5 बोलती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मीनिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, प्रशासन वाला पार्ट है, प्रशासन और आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग सोसाइटीज है। आपके विकसित और विकासशील जो सोसाइटी है उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का क्या रोल है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया उसने आपको, कंसेप्ट, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज ऑफ आपके ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स एंड एरिया ऑफ द कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स थे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत ही बेसिक चीज उसने वहाँ पे दी है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या कर सकते हो कि बेसिक प्रिंसिपल के लिए या तो आप कोई कोचिंग के नोट्स देख लो, जैसे आपके दिल्ली के कई सारी कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग्स के पबेट के नोट्स आते हैं एकदम बेसिक वाले। ठीक है, उसके अलावा दूसरी एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की, अगेन वो होती है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, बुक का नाम ही लोक प्रशासन है ना, वो लोक प्रशासन का बुक आता है मोटा सा। अब उसके अंदर क्या होता है, पॉलिटी भी दिया रहता है और ये भी दिया रहता है, मतलब जो यूपीएससी का पेपर 1 और पेपर 2 है ना, वो पूरा उसके अंदर बेसिकली रहता है, तो वो कुछ आपका काम आ सकता है। बाकी ये जो है, ये तो मेरा पबैट जो है मेरा ऑप्शनल है यूपीएससी में, तो ये बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकता हूं ये सभी कंसेप्ट अभी यहां पे। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं, तो किताब खरीदने के बजाय आप जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो नेट के ऊपर सर्च करो, नेट के ऊपर आपको चीजें अभी यहां पे मिल जाएगी, हो सकता है उसकी बुक वगैरह की पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट और आपके चेंजेस इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जो भी बदलाव हुए हैं, तो उसके अंदर कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कई सारी उसकी स्टेप्स हैं, तो 5-6 अलग अलग स्टेप्स में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला है आपका, तो वो कंसेप्ट जो है वो पूरे इसके अंदर यहाँ पे पेपर नंबर आपका जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 के अंदर अभी यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट बी बोलता है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, आपका अर्थव्यवस्था और आपकी समाजशास्त्र। ठीक है, इसके अंदर इश्यूज, यूनिट 1 बोलता है इश्यूज एंड इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस इन इंडिया। भारत के अंदर सेवा वगैरह के क्षेत्र के अंदर, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, उसके अंदर जो है जो भी इश्यूज हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वो, अब इनिशिएटिव किसने लिए हैं, सरकार ने लिए हैं, ऑब्वियसली बात है सरकार के रिफॉर्म की बात करेंगे, या सिविल सोसाइटी ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनकी बात आप कर सकते हो, तो जो भी इश्यूज और इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आपको बात करना है। उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन, फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब वित्तीय समावेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक्स वगैरह उनका क्या रोल है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टैक्सेशन सिस्टम, अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, कैश ट्रांसफर, फिस्कल पॉलिसी, तो बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स दिया गया है, जैसे पहले जो था ना 2019 के अंदर, तो वो इकोनॉमिक्स बहुत थोड़ा सा टिपिकल था, बट अभी यहां पर जो इकोनॉमिक्स है इट्स टू सिंपल, बहुत ही बेसिक फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं जो आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे। मैं तो बोलूंगा इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना आपकी, तो 9 से 12 की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी के अंदर ऑलमोस्ट आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक कवर हो जाएंगे, और उसके बावजूद भी आपको अगर पढ़ना है तो दत्तन सुंदरम तो नहीं बोलूंगा मैं, आप इसके लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें आपका नॉलेज भी गेन होगा, और नॉलेज के बाद में आपको जो दूसरे टॉपिक्स हैं आपके, दूसरे पेपर 3 वगैरह के कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स भी उसके अंदर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो रमेश सिंह इसके लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टैक्सेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, बट उसके अंदर ये टैक्स सिस्टम और ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया जितना पूछा है, कहीं ना कहीं आपको नेट पर सर्च करके ये सब टॉपिक करना पड़ेंगे, और फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो पहले भी था, करंट ट्रेंड एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो जो भी करंट चैलेंजेस हैं आपके इंडियन इकोनॉमी, करंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे GST एक करंट ट्रेंड चल रहा है, या फिस्कल डिफिसिट जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब ट्रेंड मतलब ये नहीं कि अभी जो चल रहा है वो, सो लॉन्ग रन में जो 15-20 साल के अंदर, जब हमने पूरा 1991 के बाद जो LPG रिफॉर्म हम लेके आए थे, तो रिफॉर्म लाने के बाद में क्या क्या चेंजेस है, वो क्या क्या चेंजेस अभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो वो लॉन्ग रन के अंदर 30-40-50 साल के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अलावा पॉवर्टी है तो टाइप ऑफ पॉवर्टी, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस है ना, आपकी क्षेत्रीय असमानता है, तो ये तीनों टॉपिक हैं, ये ऑलरेडी भी सिलेबस के अंदर थे, अभी भी सिलेबस के अंदर है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ये आपको नेट के ऊपर भी मिल जाएगा,
लक्ष्मीकांत के अंदर भी, रमेश सिंह के अंदर भी मिल जाएगा, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी के अंदर भी कई सारे टॉपिक जो है, पॉवर्टी वाला जो टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी वगैरह जो है, ये एनसीईआरटी के अंदर जो है टॉपिक काफी अच्छे से दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका उसके बाद आपका इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपीज वगैरह है, भारत का जो भुगतान संतुलन है, इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन बैंक, सार्क, नाफ्टा और जितने भी दूसरे ओपेक वगैरह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब इसके अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह दिया है, तो ये सब भी उसके लिए रमेश सिंह जिंदाबाद, उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सार्क, आसियान, नाफ्टा वाफ्टा जो भी है, ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको रमेश सिंह में मिली जाएंगी। बाकी नेट के ऊपर आप एक बार भी सर्च करोगे WTO तो गेट, WTO वगैरह पूरा हिस्ट्री सब कुछ अभी यहाँ पे मिल जाएगा। मेहनत करना पड़ेगी, सब कुछ मिल जाता है नेट के ऊपर। ठीक है, यूनिट टू बोलता है विद रेफरेंस टू द मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के अंदर आपके मेजर क्रॉप्स होल्डिंग्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप्स वगैरह, कि क्रॉप्स वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपके क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हुआ है यहाँ पे। जैसे आप सिंगरौली तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो NTPC वगैरह के प्लांट्स हैं या दूसरे आपके जो थर्मल प्लांट्स हैं उनके कारण कुछ अलग इंपैक्ट पड़ा है। इंदौर के आसपास देखोगे तो यहाँ पर अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, उनसे आपके क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर क्या अंतर पड़ा है, तो वो सब चीज़ें हैं। इश्यू एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद द क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ द सीड एंड मैन्योर फार्मिंग प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है, तो क्वालिटी और सप्लाई सीड्स वगैरह हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है, उसके लिए आप कई सारी जो रिपोर्ट्स है आपके एग्रीकल्चर कमीशन की उसका रेफरेंस दे सकते हो कि 3 साल में आपको क्रॉप बदलना है वगैरह वगैरह करके। ये कई सारी चीज़ें हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या फार्मिंग प्रैक्टिस है या मध्य प्रदेश के बाहर कौन सी हैं, तो पूरा मध्य प्रदेश का एक तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहा है। इश्यू एंड चैलेंजेस ऑफ द हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, इन सब के क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना। अब देखो, ये जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, डेयरी है, फिशरीज़ है, तो इनके जो चैलेंजेस हैं मेरे हिसाब से जो इंडिया के चैलेंजेस हैं, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो चैलेंज है, ऑलमोस्ट वही चैलेंज भारत के भी, MP के भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे इसके अंदर नहीं है क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में है, तो जो नेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं ऑलमोस्ट वही चैलेंजेस MP के अंदर आएंगे। अब हाँ, इसके अंदर आप MP के अंदर जो स्कीम्स वगैरह हैं, जैसे इसके अंदर अन्नपूर्णा योजना है या यहाँ पर आपकी जो गौशाला योजना वगैरह है, दूसरी ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं, उनका रेफरेंस दे सकते हो। MP एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर आपको ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और आपका मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग जैसे मार्कफेड बना हुआ है स्टोरेज के लिए, फिर आपका अनाज भंडारण की एक स्कीम लाई गई थी, तो वो क्या चैलेंजेस है, उसकी प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसके ट्रांसपोर्टेशन की, उसके स्टोरेज की, उसकी मार्केटिंग की, तो सबके अलग अलग चैलेंजेस। अगर खुद से भी अगर सोचोगे ना तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद आपके दिमाग में आ जाएगी। बट थोड़ा बहुत भी अगर आपका रूरल बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत भी आपने गाँव किसान वगैरह देखे हैं, तो ये आंसर आप अपने खुद के हिसाब से ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेट के ऊपर तो फिर आपको कई सारे पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, वेलफेयर स्कीम ऑफ द एग्रीकल्चर, अब ऑब्वियसली बात है, मैं MP की बात कर रहा है, तो MP की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं वो सब स्कीम्स यहाँ पर है, तो इन सब के बारे में आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है MP का, उसने काफ़ी अच्छे से बात की है। 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आया था उसके अंदर ये टॉपिक मैंने पढ़ाया भी था 2019 के लिए, और आगे भी आपको ये काम आएगा। वैसे अभी तो नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, अब कब तक आता है पता नहीं, अप्रैल तक शायद आ जाए, है ना, क्योंकि बजट भी अप्रैल तक आएगा MP का। अब जब भी आए, है ना, तो ये टॉपिक्स आपके जो हैं वो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह और अपडेटेड मिल जाएंगी। और उसके पहले आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पुराने उससे कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नया जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा 2020 वाला, तो उससे अब यहाँ पर आप कवर उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, तो सॉरी, है ना, ये आपके 19 का इकोनॉमिक सर्वे है ना, 20 का नहीं है, तो 19 का इकोनॉमिक सर्वे है, 18-19 का, और अभी जो आएगा वो 2019-20 का आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, तो वो उसके अंदर आप कवर यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा दिया है, आप अगर थोड़ी सी हिम्मत है ना आपके अंदर पढ़ने की, तो मुश्किल से 200-250 पेज का होगा, बट जब पढ़ने बैठोगे ना इतनी चीज़ें मिलेगी MP की, इतनी स्कीम्स मिलेगी, इतने फैक्ट्स मिलेंगे, इतने अपडेट्स मिलेंगे यहाँ पे, विच इज़ वेरी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। तो ऐसे नहीं है कि पेपर इकोनॉमिक्स के अंदर, आपकी हिस्ट्री के अंदर, आपकी ज्योग्राफी के अंदर, आपकी पॉलिटी के अंदर, आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर, आपके MP के जितने भी टॉपिक्स हैं, पंचायती राज वगैरह वगैरह,
हर चीज के अंदर आपको अपडेट मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये भी उसके अंदर दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ द मध्य प्रदेश, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ द मध्य प्रदेश एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। जो भी डेमोग्राफी है आपकी, जो भी आपका आसपास जो जनसंख्या है उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है, वो सब चीजें, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ ट्रेंड एंड चैलेंजेस, जो भी एमपी के अंदर ग्रोथ हुई है। तो अभी आप देखोगे पिछले 10-15 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टर समिट हुई या फिर अपने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश समिट वगैरह हुई, तो उससे काफी बदलाव यहाँ पर आया है। जो बाहर के लोग हैं, बाहर दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, वो एमपी के अंदर ज्यादा अभी यहाँ पर अट्रैक्ट हुई हैं, चाहे वो इंफोसिस हो, टीसीएस हो, आईटी पार्क वगैरह हो, तो काफी चेंजेस यहाँ पर आए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, डिफरेंट ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे मध्य प्रदेश के संबंध में, ठीक है। तो ये आपका जो AKVN का वेबसाइट है, या एमपी का जो एक एमपी प्लानिंग करके एक वेबसाइट है, आप mpplanning.mp.gov.in जो भी है, तो एमपी प्लानिंग करके या एमपी योजना करके आप सर्च करोगे नेट पे, तो ये कई सारी चीजें उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट सेकंड केस कि आपको ये सब चीजें सर्च करना पड़ेगी, उनको अरेंज करना पड़ेगी, बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लो, शांति रखो, बट खुद से अगर रिसर्च करके पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगी और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा रिसर्च करो और उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, वोकेशनल टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन, इश्यूज़ रिलेटेड टू द गर्ल्स एजुकेशन, महिला शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर आपका फिर वो प्राथमिक शिक्षा वगैरह, हायर एजुकेशन वगैरह, इश्यूज़ रिलेटेड विद द फॉलोइंग सोशल क्लासेस एंड देयर वेलफेयर प्रोग्राम, डिफरेंटली एबल, सीनियर सिटीजन वगैरह वगैरह, ठीक है। चिल्ड्रंस है, वुमेन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, डिसेबल है, डिस्प्लेस ग्रुप हैं, अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। सो ये जितने भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आपको हर सेक्टर के अंदर, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो डिस्प्लेस लोग हो, चाहे वो आपके डिसेबल लोग हो, तो सबके बारे में ये स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स यहाँ पे बात की गई, इशू रिलेटेड विद इन सबके साथ में जो सोशल क्लासेज हैं। अब इसके लिए मैं किताब आपको बताता हूँ, है ना। तो आई थिंक MBPSC के हिसाब से किताब पढ़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट है पढ़ने में आपका, या बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो राम आहूजा का एक बुक आता है, दिस इज वेरी गुड बुक। उसके अंदर इंडिया का पूरा जो सोशल सिस्टम है या सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी अच्छे से उसने बताया है, और उनके इशू और चैलेंजेस सभी बताए हैं, उनका जो स्वॉट एनालिसिस अच्छी तरीके से राम आहूजा ने यहाँ पे किया है, ठीक है। अगर पढ़ने के शौकीन हो और इतना किताब पढ़ सकते हो तो राम आहूजा जरूर पढ़ना, नया जो भी एडिशन आया हो देख लेना, नया एडिशन कौन सा है, तो वो काफ़ी अच्छा बुक है, मैंने उससे कई बार पढ़ा है उसको, और आई लाइक दिस बुक, है ना, बहुत अच्छा बुक है। उसका यूनिट 4 बोलता है एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मनी, कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर, रिचुअल और दूसरे रेफरेंसेस, कास्ट सिस्टम, आश्रम, पुरुषार्थ, आपके चतुष्य हैं, उसके बाद आपका रिलीजन और सेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी एंड मेथड ऑफ द मैरिज वगैरह वगैरह। तो ये जो भी आपका पुराना एंशियंट कल्चर है या फिर आपका जो वैदिक सिस्टम है उसमें कई सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई है, तो ये एंशियंट हिस्ट्री की किसी भी अच्छी किताब के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDPs हैं, एक्सटेंशन आपका एजुकेशन है, पंचायती राज है, रोल ऑफ NGOs हैं और इन कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह, है ना, रिसेंट ट्रेंड इन द वॉलेंट्री सेक्टर रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट और फैमिली कोर्ट वगैरह, ये सब जो टॉपिक हैं ये आपको थोड़ा नेट के ऊपर आपको एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। ये तो आपको इजीली नेट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट के अंदर भी मिल जाएंगे, है ना, लेकिन आपका जो पंचायती राज है या जो NGOs है आपके, ये सब चीज़ें हैं, तो ये और फर्दर आपके फिर वही लक्ष्मीकांत के अंदर, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको वॉलेंट्री सेक्टर है या फैमिली कोर्ट वगैरह है, तो ये भी आपके जो गवर्नेंस इन इंडिया है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 किताबों से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी, बट ये टॉपिक के लिए थोड़ा सा आपके ऊपर नेट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा जब तक मेरा कोर्स नहीं आ जाता। पेपर पार्ट 5 यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ एजुकेशन, एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर ऑफ द प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण वगैरह, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की अच्छी खासी बात चल रही है, हेल्थ एजुकेशन और उसका एम्पावरमेंट, स्टेटस ऑफ ट्राइब इन मध्य प्रदेश, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम, बिलीफ, मैरिज वगैरह, किनशिप वगैरह, तो वो पूरा आपका ट्राइब वाला पार्ट यहाँ पर हो गया। इसके लिए बड़ी अच्छी किताब आती है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, द बुक इज कॉल्ड मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको समय हो पढ़ने का तो जरूर किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बहुत अच्छा किताब आता है। बाकी नेट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बाकी दूसरी कई किताबों के अंदर मिल जाएगी, रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इन द ट्राइब्स, जो भी उनके ट्रेडिशन है, बिलीफ वगैरह है, वो सब कुछ है, वुमन एजुकेशन, फैमिली हेल्थ, वाइटल स्टैटिस्टिक,
कोज एंड इफेक्ट ऑफ द माल न्यूट्रिशन, तो ये पुराने भी टॉपिक में था, अभी फिर से आएगा। तो ये भैया आपको नेट पे ही मिलेगा सब कुछ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ द इम्यूनोलॉजी, कोई पुराना टॉपिक जो अभी मैं रिसेंटली अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि इम्यूनोलॉजी वगैरह के अंदर क्या चेंजेस हुए, एक्टिव इनएक्टिव मतलब लाइव और इनएक्टिव वगैरह अलग अलग टाइप के जो इम्यूनोलॉजी होती हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स उसके लिए कौन से चल रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो पुराना या इंद्रधनुष प्रोग्राम हो, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, वुमेन एजुकेशन फैमिली हेल्थ के लिए अलग अलग जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स वगैरह हैं। ठीक है, आपके रेमेडीज ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, उसके अलावा WHO उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये तो आपको WHO की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, या जैसे आप सर्च करोगे, जैसे आपको ये WHO पढ़ना है तो WHO आपने वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगा बहुत ब्रॉड है तो WHO और उसके आगे UPSC लिख दो, तो बहुत सारा जो आर्टिकल्स है UPSC के WHO से रिलेटेड वो आ जाएंगे। रेमेडीज़ वगैरह हैं तो इसमें आपको ये टॉपिक लिख के UPSC करके सर्च कर दो तो काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बट कंसाइज रूप से पढ़ना इनको आप यहाँ पे जरूरी है जो मैं आपको प्लस के अंदर पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा आपका पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर ये पूरा आपका सिलेबस है और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने आपको बताई, बाकी नेट के ऊपर कई सारी वेबसाइट्स बताई जहाँ पर आप उनके ऊपर डिपेंड होकर उस पूरे सिलेबस को भी यहाँ पे कर सकते हो। और प्लस के जब ज्वाइन करोगे तो प्लस के अंदर तो आप मेरा कोड जानते ही हैं पवन लाइव को आप जब यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही आपको जो पूरा सिलेबस है 2020 का वो पूरा सिलेबस भी आने वाले समय के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू।